प्रिय छात्रों, मैं आरके सिंह निर्णय एकेडमी के साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको साइंस जीएस के रूप में जो साइंस पूछा जाता है उसको आपको बताऊंगा उसके विषय में। और साइंस या विज्ञान, देखिए किसी भी विषय को पढ़ने का जो एक सिस्टमेटिक तरीका होता है कि आप एक क्रमबद्ध रूप से पूरा किसी विषय को पढ़ें, तो सबसे पहले हम साइंस की परिभाषा देखेंगे। साइंस की परिभाषा क्या होती है ये हमें जानना जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हमने पूरा विषय तो पढ़ लिया लेकिन विषय का डेफिनेशन अगर कोई हमसे पूछ ले तो हमको नहीं मालूम है। तो साइंस की परिभाषा, ये अक्सर आपने पढ़ा होगा कि क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक साधारण आपने ये परिभाषा अवश्य कई बार सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन इसमें आपको जोड़ना है प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित। प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ये तो रहा साइंस की परिभाषा। देखिए छात्रों, मैं आपको विज्ञान को परिभाषा से लेकर के एक क्रमबद्ध ढंग से जिस तरह से विज्ञान का विकास हुआ है, थोड़ा सा कई टॉपिक होंगे आपको 50-60 जो भी लेक्चर होगा उसमें पूरा बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सब आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। इसलिए आप बहुत ही संतुलित ढंग से इसमें कोई भी जीएस का साइंस का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपका विधिवत साइंस के जितने टॉपिक हैं, जैसे जब बात की जाए बायोलॉजी की तो सबसे ज्यादा साइंस में आप लोग जानते भी होंगे कोई भी परीक्षा हो सबसे ज्यादा प्रश्न साइंस से में बायोलॉजी से आते हैं। बायोलॉजी में भी अगर देखा जाए तो साइटोलॉजी जो किसी पूरे बायोलॉजी की रीड होती है, इसी पर पूरा आगे की बायोलॉजी बेस्ड होती है और इसे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते भी हैं। साइटोलॉजी देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे, ऊतकी देखेंगे, फिर उसके बाद हम सिस्टम्स देखेंगे जिसमें पाचन तंत्र, रुधिर प्रसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये या कह सकते हैं अंतःस्रावी तंत्र देखेंगे, पोषण देखेंगे और रोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद बॉटनी का हम पूरा चैप्टर देखेंगे जो इसी में टैक्सोनॉमी देख लेंगे हम, जो एनिमल टैक्सोनॉमी यानी जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं के वर्गीकरण में आप देखिए कई तरह से प्रश्न बनते हैं तो उसको देखा जाएगा कि कौन किस वर्ग का जंतु है, किस संघ का जंतु है। कभी कभी आ जाता है निम्नलिखित में कौन मछलियां नहीं है, ठीक है, आरेलिया है, जेलीफिश, ये सच्ची मछली है कि नहीं है। तो जो वर्गीकरण देखेंगे तो ये पूरा देख लेंगे। ये मैं आपको पूरे टॉपिक के विषय में आपको जो सूचना दे रहा हूं। और उसके बाद हम लोग बॉटनी देखेंगे तो प्लांट बॉटनी का भी जो विभाजन होता है यानी क्लासिफिकेशन होता है, टैक्सोनॉमी होता है, उसको देखेंगे। दूसरे नंबर पर हम क्रमबद्ध रूप से बॉटनी में देखेंगे जैसे फाइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी मीन्स शैवाल है, माइकोलॉजी इसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं तो कवक है, शैवाल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, फिर जिम्नोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म है, फिर एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, आकार की देखेंगे। तो प्लांट में देखिए ये अंतर होता है, प्लांट में केवल मॉर्फोलॉजी से प्रश्न आता है और एनिमल में जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से प्रश्न आता है, यानी मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहरी संरचना से प्रश्न आता है वनस्पति विज्ञान में, जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ती क्या है, उसके रूपांतरण क्या है, फूल क्या है, फल क्या है, इस पे प्रश्न बनते हैं। लेकिन उसका जो फिजियोलॉजी है, आंतरिक संरचना है, उस पर प्रश्न नहीं आते कि वो कैसे कार्य करता है, तो फिजियोलॉजी पर प्रश्न बॉटनी में नहीं आते हैं। फिर प्लांट हार्मोन देखा जाएगा और पॉलिनेशन है, परागण है, निषेचन क्या है, इसे प्रश्न जो बनते हैं उसको देखा जाएगा। उसके बाद जो बायोलॉजी के बाद जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स
में जो बड़े टॉपिक हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो शुरुआती दौर में जिनको पढ़ लेने के बाद फिजिक्स का लगभग 90% आपका कवर हो जाता है, तो सबसे पहले उनको हम देखेंगे, जैसे कि आपका वेव मोशन से शुरुआत करें तो तरंग क्या है, तरंग की परिभाषा, तरंगें कितनी प्रकार की होती हैं, विभिन्न आधारों पर तरंगों का विभाजन, आयाम क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है यानी, और आवृत्ति क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम लोग ध्वनि तरंग देखेंगे, साउंड वेव, इससे बहुत प्रश्न आते हैं। ध्वनि तरंग के बाद हम लोग प्रकाश पढ़ेंगे, लाइट वेव, प्रकाश से बहुत से प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बाद ऊष्मा है एक टॉपिक, इससे प्रश्न आते हैं। ऊष्मा के बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत। अच्छा, विद्युत जब पढ़ते हैं तो एक आता है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव पढ़ लेंगे, लेकिन जब हमको शुरू करना होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो हम लोग पहले मैनेजमेंट मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व एक टॉपिक है, उसको पहले अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमें चुंबकत्व के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे, तो इसको देखेंगे। फिर मॉडर्न फिजिक्स का जो पोर्शन होता है, जैसे कि ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, राडार, लेसर, मेसर, तो इसके विषय में देखेंगे। इसके बाद हम लोग बॉटनी में केमिस्ट्री में चलेंगे। हाँ, इसी में फिजिक्स में जो टॉपिक और बचेंगे, सरफेस टेंशन है, जैसे पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, उत्प्लावन है, वायुमंडलीय दाब है, केशिकत्व है, तो इन सबको भी देखेंगे, और न्यूटन का जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स है, इन सब टॉपिक्स को लेंगे। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री में जो पहला जो टॉपिक रहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, जिसमें परमाणु संरचना वगैरह देखेंगे। उसके बाद जो विशेष रूप से हम लोग ध्यान देंगे मेटल, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, उपधातु, ठीक है, इनर्ट गैसेस, तो हैलोजेंस क्या है, इनको देखेंगे। मेटल्स जब हम लोग देखेंगे तो मेटल्स में एक एक धातुओं की जो विशेषताएं हैं उसको देखेंगे, फिर एक एक तत्व लेंगे, उनसे क्या क्या यौगिक बन रहे, जैसे हमने सोडियम लिया तो सोडियम से बना सोडियम नाइट्रेट बना, सोडियम क्लोराइड बना, तो सोडियम क्लोराइड क्या करता है, सोडियम नाइट्रेट की बात आएगी, तो ये प्रश्न पूछा जाता है सिविल वगैरह में कि चिली साल्ट पीटर किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे भाई सोडियम नाइट्रेट, तो ये चीजें देखा जाएगा। इसके बाद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ईंधन हैं, पेट्रोलियम है, इनको देखेंगे, रबर है, प्लास्टिक है, फाइबर है, रेसे हैं, मोम है, सोप है, साबुन है, इनको देखा जाएगा। इसके बाद एक्सप्लोजिव आते हैं, विस्फोटक है, और इसके बाद कुछ रहता है जैसे दवाइयां हैं, ड्रग्स, अलग अलग ग्रुप की सल्फर ड्रग की दवाइयां हैं, या और तो एंटीपायरेटिक कौन है, एनाल्जेसिक कौन है, इन सब के जानने से हम दवाइयों के बारे में भी समझ पाएंगे। तो ये पूरा हमारा जो सिलेबस होगा, पढ़ने का जो सिस्टम होगा वो देखेंगे, तो एक लंबी यात्रा है और ये धैर्य से ही पूरी की जा सकती है, आप जल्दबाजी में इस लंबी यात्रा को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम क्रमबद्ध आपको ये सारे टॉपिक जिसको डिस्कस हमने किया आपको यह उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक हम लोग चलेंगे, बिल्कुल इसमें हड़बड़ी नहीं करना है, और क्या कहते हैं, कोई चीजें छोड़ छोड़ करके नहीं पढ़ना है, एक व्यवस्थित वे में पढ़ना है। तो व्यवस्थित वे में अगर हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि साइंस क्या है, विज्ञान क्या है। तो मैंने बताया कि विज्ञान की जो परिभाषा है वो प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये तो रही विज्ञान की परिभाषा। किसी भी शब्द का अगर आप देखते हैं तो शब्द का भी अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे विज्ञान हिंदी का शब्द है, ये दो चीजों से बना है, बी प्लस ज्ञान। बी उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष, और ज्ञान का अर्थ है ज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ हुआ विशेष ज्ञान, ठीक। इसी तरह से ये जो साइंस शब्द है, ये लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना हुआ है,
साइंटिया लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया साइंटिया से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। तो ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ, साइंस का शाब्दिक अर्थ हुआ जानना और विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? विशेष ज्ञान। यानी दोनों का जो अर्थ हो रहा है कुल मिलाकर ये ज्ञान ही हो रहा है। अब अगर देखा जाए तो अगली चीजें ये पूछी जाती हैं कि जो विज्ञान है, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो विज्ञान की मूल रूप से तीन शाखाएं हैं, ठीक है। तो एक शाखा है भौतिक विज्ञान, या आप इसको कह सकते हो फिजिक्स। क्या कह सकते हो? फिजिक्स, ठीक है। भौतिक विज्ञान की बात करेंगे तो अब इसकी भी परिभाषा हमें मालूम होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान क्या है, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान जानने के लिए आप चीजें समझें, इस ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, एक है द्रव्य और दूसरी है ऊर्जा, ठीक है। पहला क्या है? द्रव्य, और दूसरा है ऊर्जा। अब सवाल आता है कि द्रव्य क्या है, व्हाट इज मैटर, ठीक है। द्रव्य या इसे को क्या कहेंगे? मैटर। तो ये हमें जानना चाहिए। दूसरा है एनर्जी। तो पूरे ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। द्रव्य क्या है? द्रव्य वो है जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। जैसे आप कहें वायु, गैस, तो गैस द्रव्य की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। आप ठोस को देख सकते हैं, छू सकते हैं, द्रव को छू सकते हैं, देख सकते हैं, गैस को केवल अनुभव कर सकते हैं, लेकिन गैस में भार होता है, ये आपने देखा होगा। खाली सिलेंडर और भले सिलेंडर में डिफरेंस है, उसमें आयतन होता है, ठीक। तो द्रव्य क्या है? जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अब एक नियम है द्रव्य की, मैंने बताया तीन अवस्थाएं, साधारण रूप से तीन अवस्थाएं। अब बात अलग चीज है कि उसको आगे डिस्कस किया जाएगा कि प्लाज्मा अवस्था भी होती है और ये सारी। तो मूल रूप से अवस्थाएं तीन है, ठोस, द्रव और गैस। एक नियम है द्रव्य की अविनाशता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। द्रव्य की अविनाशता, अविनाशिता का नियम, द्रव्य की अविनाशता का नियम, ठीक। अब द्रव्य की अविनाशता का नियम, इस नियम में यह बताया गया कि पूरे ब्रह्मांड में मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। मैटर केवल अपना रूप बदलता है, इसको ना नष्ट किया जा सकता है और ना बनाया जा सकता है। दूसरा आप देखें एनर्जी, तो एनर्जी की भी परिभाषा हमें मालूम होनी चाहिए। तो एनर्जी क्या है? पावर ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यहां भी एक नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की अविनाशता का नियम, अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना बनाया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा की अविनाशता का नियम, ठीक है, ऊर्जा की अविनाशता, अविनाशिता का नियम। तो ऊर्जा भी अपना रूप बदलती है, इसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आप देखा जैसे मैं बोल रहा हूं जैविक ऊर्जा है, ये बदल रही है ध्वनि ऊर्जा में, नष्ट नहीं हो रही है। विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये ऊर्जाएं एक रूप से दूसरे रूप में जाती हैं, लेकिन ये नष्ट नहीं होती, इन केवल रूपांतरण होता है। अब ये तो रहा मैंने द्रव्य और ऊर्जा क्या है इसके विषय में बताया। आपसे जो प्रश्न आता है वो ये है कि व्हाट इज फिजिक्स, भौतिक विज्ञान क्या है? तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य प्लस ऊर्जा के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन हम जिसके अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य और ऊर्जा के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब इसी अंतर संबंधों को सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने सापेक्षिकता के सिद्धांत, सापेक्षिकता
के सिद्धांत E बराबर MC स्क्वायर के द्वारा प्रस्तुत किया। तो आइंस्टीन ने इसी अंतर संबंधों को दिखाया, E बराबर MC स्क्वायर, E यहां एनर्जी है, M मास है, C स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका भौतिक विज्ञान क्या है उसकी परिभाषा आपने देखा। अब हम लोग जो दूसरा विज्ञान है भौतिक विज्ञान के बाद, बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी का परिचय हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी क्या है या जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान, बायोलॉजी देखिए, जैसे मैंने बताया बायोलॉजी भी दो शब्दों से बना है, बायोस, बायोस बायोस मींस होता है लाइफ, दूसरा है लोगोस, लोगोस मींस होता है नॉलेज या स्टडी, लोगोस मींस नॉलेज, नॉलेज या स्टडी। तो बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या हुआ, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखा जाए तो एक प्रश्न आता है आपसे, पूछा जाता है कि फादर ऑफ, एक तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, देखिए ये हम ये चाहेंगे कि कोई भी कैसी भी परीक्षा हो सभी में ये प्रश्न आप कर सकें। तो बायोलॉजी, बायोलॉजी शब्द का नाम किसने दिया था, तो यह नाम दिया था लैमार्क और ट्रेबिरेनस ने। यह नाम किसने दिया, लैमार्क और ट्रेबिरेनस ने बायोलॉजी नाम दिया। अब दूसरा आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी ये अरस्तु हैं। अरस्तु को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता। तो जीव विज्ञान का पिता कौन है, जीव विज्ञान का पिता फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। ठीक, अब अगर देखा जाए तो जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, एक है जूलॉजी, जूलॉजी यानी आप कह सकते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक, और दूसरा है बॉटनी, बॉटनी या इसे आप कहेंगे वनस्पति विज्ञान। ठीक, अब देखें अगर हम बात करते हैं जंतु विज्ञान, तो जू मींस होता है एनिमल और लोगोस मींस क्या होता है, नॉलेज, जंतु विज्ञान। ठीक है, तो जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वो शाखा, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान कहलाती। अब यहां पे प्रश्न है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान का पिता, जंतु विज्ञान का पिता, तो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, जंतु विज्ञान का पिता फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को क्यों कहा जाता है, अरस्तु ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में, अरस्तु ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में एक पुस्तक लिखा, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक में अरस्तु ने 500 जंतुओं का जीवन परिचय प्रस्तुत किया।
500 जन्मों का जीवन परिचय प्रस्तुत किया। इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो इन्होंने जंतु जिनका ब्लड कैसा है, लाल है, इनीमा। ऐसे जंतु जिनका ब्लड लाल नहीं है तो बिना लाल रुधिर वाले तो जंतुओं को दो भागों में बांटा, एनीमा और इनीमा। ऐसे जंतु जिनका ब्लड लाल है और ऐसे जंतु जिनका ब्लड लाल नहीं है। ठीक है, तो ये नीचे आपका आ नहीं रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। तो जंतुओं का जो क्लासिफिकेशन किया इन्होंने, ये जंतुओं का क्लासिफिकेशन अरस्तु ने जो किया, ये दो भागों में बांटा जंतुओं को, एनिमल को दो भागों में बांटा, एनिमा लाल रुधिर वाले, इनीमा बिना लाल रुधिर वाले, ऐसे जंतु जिनका ब्लड लाल नहीं है। ठीक है, तो एनीमा और इनीमा दो भागों में इन्होंने बांटा जंतुओं को। ठीक, दो भागों में जंतुओं को बांटा। अब देखें, एनीमा लाल रुधिर वाले हैं, इनको भी दो भाग में बांट दिया गया, ओबी पेरस यानी अंडे देने वाले। दूसरा है बीबी पेरस, यह है बच्चे पैदा करने वाले। तो अरस्तु ने जंतुओं का जो विभाजन किया ये दो भागों में किया, एनीमा इनीमा, लाल रुधिर वाले और बिना लाल रुधिर वाले, जिनका ब्लड लाल नहीं है। ठीक है, अब जो लाल रुधिर वाले हैं उनको भी दो भागों में बांटा, ओबी पेरस और बीबी पेरस, अंडे देने वाले और बच्चे पैदा करने वाले। ठीक, ये तो रहा विभाजन किसका, अरस्तु का, इन्होंने जंतुओं का विभाजन किया। अब अगर हम वनस्पति विज्ञान को देखें तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी शब्द बास्कीन से बना है, बॉटनी शब्द बास्कीन से बना है जिसका अर्थ होता है चरना। बॉटनी शब्द बास्कीन से बना है, बॉटनी शब्द बास्कीन से बना है जिसका अर्थ क्या है, चरना। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। तो इनको भाई ये भी अरस्तु के समकालीन है। ठीक है, थियोफ्रेस्टस कौन है, अरस्तु के समकालीन है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिया प्लेंट्रम। इन्होंने इस पुस्तक में 500 पेड़ पौधों का
जीवन परिचय प्रस्तुत किया। इन्होंने 500 पेड़ पौधों का जीवन परिचय प्रस्तुत किया। इन्होंने भी पौधों का विभाजन किया, क्लासिफिकेशन किया और प्लांट्स इनको दो भागों में बांटा, हर्ब, सर्ब और ट्री, साक, झाड़ी और पेड़, साक, झाड़ी और पेड़। ठीक है, तो ये तो रहा आपका वनस्पति विज्ञान का परिचय। ठीक है, वनस्पति विज्ञान क्या है? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत, या जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी हिस्टोरिया प्लांटरम, जिसमें इन्होंने 500 पेड़ पौधों का जीवन परिचय दिया। इन्होंने पौधों का विभाजन तीन भागों में किया, हर्ब, सर्ब एंड ट्री, साग, झाड़ी और पेड़। ठीक है, तो ये तो रहा आपका बायोलॉजी का जो जीव परिचय था। बायोलॉजी विषय जो है वो कितनी शाखाओं में बटा है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन इसका फादर है, क्या परिभाषा है। अब हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का परिचय देखेंगे। रसायन विज्ञान क्या है इसका परिचय देखेंगे। तो रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री शब्द लैटिन भाषा के टर्म केमिया से बना है, जिसका अर्थ है काल, जिसका एक केमिया एक प्रकार की काली मिट्टी थी जो कि मिस्र में पाई जाती थी। मिस्र के लोग इस काली मिट्टी से बर्तन बनाते थे और बर्तन बनाने की जो प्रक्रिया थी उसे केमिटिंग कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? केमिटिंग कहा जाता था। और उसी से, और प्राचीन काल में मिस्र का एक नाम कीमिया भी था, इसी से केमिस्ट्री शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब बात आती है कि केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होगी, किसे कहेंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम तत्वों के संयोग, यौगिकों के निर्माण और पदार्थों के गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। तत्वों के संयोग, यौगिकों के निर्माण एवं पदार्थों के गुणधर्म का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तत्वों के संयोग, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है और ऑक्सीजन एक तत्व है, ये किस मात्रा में संयोग करें कि जल जैसे यौगिक का निर्माण हो। ठीक है, तो अब इन दोनों का एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से ही क्या होगा, जल का निर्माण होगा। अब जल का गुण, जो यौगिक बना उस यौगिक का गुणधर्म क्या है, तत्वों के विषय में, यौगिकों के विषय में अध्ययन हम करेंगे किसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अंतवाम लारेंट लेवाइसिए को, अंतवाम लारेंट लेवाइसिए को, अंतवाम लारेंट लेवाइसिए को रसायन विज्ञान का, आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। अंतवाम लॉरेंट लेवाइसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब ये तो रहा हमें विज्ञान के तीनों शाखाओं का परिचय कि भौतिक विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है। ठीक है, ये परिचय आप अवश्य जाने, और बिना परिचय के किसी विषय में घुस जाना ये उचित नहीं होता है। अक्सर टीचर क्या करते हैं कि कोई टॉपिक उठा लेते हैं, चलो ठीक है कोई टॉपिक उठा लिए, हम बायोलॉजी उठा लीजिए तो हम विटामिन शुरू कर दिए, हार्मोन शुरू कर दिए, कहीं से शुरू कर दिए, फिजिक्स उठा लिए, कहीं शुरू कर दिए। एक सिस्टमेटिक रूप से चलना चाहिए जहां से बच्चों को एक कॉन्सेप्ट बनने लगे उस विषय के संदर्भ में। तो इसलिए एक सिस्टमेटिक वे में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो अब टॉपिक लेने वाले हैं, जिसको हम लोग आगे लेकर चलेंगे, वह है जीव विज्ञान। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, जीव विज्ञान। तो जब बात आएगी जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान की परिभाषा वगैरह आपको बताया जा चुका है। ठीक है, अब ये कहा जाए कि जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान की दृष्टि से, जिस तरह से भौतिक विज्ञान की दृष्टि से
इस संसार को देखा गया या ब्रह्मांड को देखा गया तो भौतिक विज्ञान के दृष्टि ब्रह्मांड में दो ही चीजें थी, क्या थी, या तो द्रव्य था या ऊर्जा था। उसी तरह से अगर हम जीव विज्ञान की दृष्टि में इस पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो चीजें दो होंगी, या तो लिविंग होंगी और या फिर वो नॉन लिविंग होंगी, या तो वो लिविंग होंगी या फिर कैसी होंगी, नॉन लिविंग होंगी, या तो उनमें जीवन होगा या जीवन नहीं होगा, ठीक, यानी जीवित होंगी अजीवित होंगी। अब बात आती है कि जीवित कौन होंगी, तो जिसमें क्या हो, वृद्धि हो, ये कुछ लक्षण हैं, वृद्धि हो, प्रचलन हो, मूवमेंट हो, जिनमें संवेदनशीलता हो, जिनमें श्वसन हो, जिनमें पाचन हो, जिनमें उत्सर्जन हो, जिनमें प्रजनन हो, ये तमाम सारे लक्षण हैं जीवन के, या जिसमें पाया जाए उसे हम क्या कहेंगे, जीवित कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए, वृद्धि, प्रचलन या संवेदनशीलता, श्वसन, पाचन, ये आप कह सकते हो कि ये कुछ लक्षण ऐसे हो सकते हैं जो नॉन लिविंग में भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रजनन ये सभी नॉन लिविंग्स में नहीं मिल सकता है। प्रजनन क्या है, एक जीवधारी द्वारा अपने जैसे जीव पैदा करने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। तो ये जो लिविंग है यानी जीवित है उसका ये विशेष लक्षण है, ठीक है। तो जीव विज्ञान की दृष्टि में जो संसार में या ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं उनको दो भाग में बांट सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। जो लिविंग है उनमें ये लक्षण होते हैं, नॉन लिविंग में ये लक्षण नहीं होते हैं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो जितने भी जीवधारी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, जितने भी जीवधारी इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, उन जीवधारियों का जो जीवधारी हैं इस ब्रह्मांड में, उन जीवधारियों का शरीर कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। कोशिका एक हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है, अर्थात जीव एक या अनेक हो सकते हैं। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में जो जीव होंगे वो एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं। इस पृथ्वी पर जो जीवन आया वो सबसे पहले एक कोशिका था, एक कोशिकीय जीव था, ठीक। उसके बाद एक सिंगल सेल में सारी जैविक क्रियाएं होती थी, कोशिका में, एक कोशिका के भीतर सारी जैविक क्रियाएं होती थी। जैविक क्रियाएं क्या हैं, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, प्रचलन है, संवेदनशीलता है, प्रजनन है। तो सारी जैविक क्रियाएं एक सिंगल सेल में हो रही थी, ठीक है। जैसे कि आप अगर देखें, एक पूरा का पूरा फाइलम ही आपका प्रोटोजोआ फाइलम एक कोशिकीय जंतुओं का संघ है। प्रोटोजोआ में जितने जंतु हैं, पैरामीसियम हो, अमीबा हो, यूग्लिया हो, प्लाज्मोडियम हो, वो सब के सब क्या हैं, एक कोशिकीय हैं, ठीक है। आगे जो विकास हुआ तो कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। यहीं पर हम यह चर्चा करते चले हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका को, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की आधारभूत इकाई है, यानी कह सकते हो। और अगर इसको सरल करें और इसको व्याख्यायित करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यानी कोई भी जीव हो उसका शरीर कई कोशिकाओं से या एक कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा। कोशिका उसको संरचना भी देती है, आकार भी देती है और एक कार्य भी करती है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है, ठीक है, कोशिका है। जब कई कोशिकाएं मिलकर एक कार्य करने लगती हैं तो वहां पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है या ऊतक ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब बात आती है, इसी भी परिभाषा सुन लीजिए, आगे हम व्यवस्थित आपको लिखाएंगे और बताएंगे। तो जैसे कोशिका की परिभाषा आपने देखा, उसी तरह से ऊतक, तो ऊतक की परिभाषा है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में समान हो,
ऊतक कहलाएगा। द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सेम इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ऑरिजिन आर कॉल्ड टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर सेम इन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ऑरिजिन आर कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति रचना और कार्य में समान हो ऊतक कहलाएगा। जैसे कोई एक व्यक्ति है रामलाल, रामलाल के चार लड़के हुए सुरेश, दिनेश, रमेश और महेश। चारों अगर एक आईएएस बन गया, एक पीसीएस बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, तो इसको हम ऊतक नहीं कह सकते चारों को, क्योंकि चारों देखने में समान है, पिता के एक ही पिता की संतान है, ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन चारों के फंक्शन क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अगर एक आईएएस बना तो चारों के चारों आईएएस बने, तब हम उसको, एक डॉक्टर बना चारों डॉक्टर बने, तो यानी फंक्शन सेम हो तब हम उनको क्या कह सकते हैं, ऊतक कह सकते हैं। अब देखा जाए तो जीवन का जब विकास हुआ तो कोशिका से ऊतक की तरफ बढ़े। ऊतक में देखें आपका जो पोरीफेरा फाइलम है, पोरीफेरा फाइलम ये टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इसमें आपको प्लेटी हेलमेंथिस फाइलम देखेंगे, प्लेटी हेलमेंथिस जिसमें फीता क्रीम वगैरह आता है, पोरीफेरा में जिसमें स्पंज आता है, और एस्क हेलमेंथिस। तो ये फाइलम जो है ये यहां पर टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त होता है, यानी यहां पर ऊतक शरीर, ऊतकों से शरीर बना होता है। ठीक, आगे जब विकास हुआ तो ऊतक के बाद अंग या आर्गन का निर्माण हुआ। कई ऊतक मिले तो क्या बना दिए, कई ऊतक मिल गए तो एक अंग का निर्माण कर दिए, ऑर्गन का निर्माण कर दिए। तो जो सिलेंट्रेटा फाइलम है, सिलेंट्रेटा जिसमें आरेलिया वगैरह है, हाइड्रा है, सिलेंट्रेटा फाइलम यहां से टिश्यू ग्रेड ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलने लगता है, जीवन का और विकास हुआ। इसके बाद अगला जो अंग मिलता है, जो विकास हुआ, तो आगे मिलता है तंत्र या सिस्टम, तंत्र या सिस्टम। तो कई तंत्र या सिस्टम, कई अंग मिलते हैं तो एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, कई कोशिकाएं मिली तो क्या बना दिया, कई कोशिकाएं मिली तो एक ऊतक का निर्माण कर दिया, कई कोशिकाएं मिली एक ऊतक का निर्माण कर दिया, और कई ऊतक मिले तो एक अंग का निर्माण कर दिया, और कई अंग मिले तो एक तंत्र का निर्माण कर दिया। जैसे आप पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, मानव का पढ़ेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र क्या है, कई अंगों से मिलकर के बना होता है, जैसे आंत है, आमाशय है, ग्रहणी है, ग्रास नली है, मुखगुहा है, दांत है, जीवा है, लीवर है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, ये सारी चीजें अंग मिलकर के एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, कई अंग मिल के। तो ठीक है, तो जो उच्च कोटि के जंतु हैं, जंतुओं का जब विकास हुआ, उच्च वर्ग के जंतु आए, तो उनका शरीर क्या है, सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विकास किस क्रम में हुआ, कोशिका से ऊतक बने, ऊतक से अंग, और अंग से तंत्र का निर्माण हुआ। हमारे जो पढ़ने का सिस्टम होगा वो भी यही होना चाहिए, और जैसे ही हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो टॉपिक होगा साइटोलॉजी। वो टॉपिक क्या होगा, साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। ठीक है, साइटोलॉजी टॉपिक ये कॉमन टॉपिक है, ये जंतु हो या वनस्पति हो, यानी प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों का शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है, चाहे कोशिकाएं एक हो सकती हैं या कोशिकाएं ज्यादा, जैसे कुछ शैवाल हैं एक कोशिकीय हैं, तो पौधे भी कुछ हैं एक कोशिकीय हैं, कुछ बहुकोशिकीय हैं, उसी तरह से जंतु एक कोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, जैसे मानव बहुकोशिकीय है, मानव सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मानव के शरीर में लगभग 1000 खरब कोशिकाएं होती हैं। तो हम टिश्यू पहले, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे, फिर हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, उत्की पढ़ेंगे, फिर हम लोग पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, मानव का जो विभिन्न तंत्र हैं उनके फंक्शन पढ़ेंगे, उनकी संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो क्या है, साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी एक कॉमन चैप्टर है जैसा कि मैंने बताया, इसलिए हम एक साथ ही प्लांट और एनिमल सेल के विषय में पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, अंतर क्या है, विभेद क्या है। जैसे कि अब सेल वॉल है तो सेल वॉल प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। लवक है, प्लास्टिड है, प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलता है। ठीक है, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता। तो ये डिफरेंसेस यही हम साइटोलॉजी के टॉपिक में ही देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो हमारा वीडियो होगा वो साइटोलॉजी से प्रारंभ होगा, बिल्कुल क्रमबद्ध व्यवस्थित। आप लोग देखिए अपना, अगर आप लोगों के अंदर इच्छा शक्ति है और आप विज्ञान विषय को बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार करना चाहते हैं,
ये वादा है कि कोई भी परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। करंट को आप अपडेट कर लीजिएगा, जो करंट हम अभी तक तो बताएंगे ही, उसके बाद जो करंट रहेगा अपडेट कर लेंगे, तो कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा अगर आप मेरे साथ अंत तक चलते रहे, ये हमारा वादा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ।